अब ये बताओ, अरे सबको याद है क्या होता है अरे? थर्ड सिमिलर डेटा टाइप ऑफ कलेक्शन। सिमिलर डाटा टाइप ऑफ कलेक्शन। और इसके अलावा क्या एरे के अंदर हम लेंथ को फिक्स कर सकते हैं, या पहले से फिक्स लेंथ है उसकी, या उसकी लेंथ हम एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर नहीं सकते। क्या एरे के अंदर एक डाटा टाइप के अलावा दूसरा डाटा टाइप कॉल कर सकते हैं? कैसे सर, बताओ? सेम एरे में। हाँ, एक मैंने इंटीजर टाइप का एरे बनाया, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया, एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग वैल्यू होल्ड करा दी, क्या पॉसिबल है या नहीं? है नहीं होनी चाहिए सर, बाय डेफिनेशन ही गलत हो जाएगा फिर। सिमिलर टाइप ऑफ डेटा कैसे यानी कि पॉसिबल नहीं नहीं है? मेरे पास, ठीक है। तो यानी कि एरे के अंदर पहली चीज जो मुझे समझ आई हल्का सा पढ़ के, कि पहली चीज आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, इसकी लेंथ को फिक्स ही रखोगे, उसकी लेंथ रन टाइम पे या कैसे भी एक्सटेंड नहीं कर सकते। दूसरा, एरे के अंदर आप एक ही डाटा टाइप कॉल कर सकते हो, मिक्स डाटा टाइप में प्रोग्राम जनरेट नहीं नहीं करते। होगा। क्लियर? इतना क्लियर? यस सर। तो सर, अभी एरे का जब हम अभी लेंथ पास नहीं कर रहे हैं तो फिर वो रन टाइम पे तो अपने हिसाब से वो ले लेता है आप ना। स्टैटिक की बात करो या रन टाइम की बात करो, एरे की लेंथ तो मैं एंटर करूंगा ना, 5 एलिमेंट 6 एलिमेंट। अगर हम मतलब ऐसे बिना केवल जैसे लिखे इंट ए और फिर वैसे ब्रैकेट दे दें नहीं, तब इज तो अपनी इक्वल लेंथ तो टू। रहेगी ना, एक एरे में कितने एलिमेंट बनाना चाहते हो कंफर्मेशन तो होगी ना। मैं बिना एरे के अंदर अगर आपको 10 एलिमेंट बनाने हैं, अगर मैं उसको 10 एलिमेंट बताता ही नहीं हूं कि 10 एलिमेंट बनाने हैं, तो क्या पॉसिबल है? नहीं सर, ऐसे पॉसिबल तो नहीं है। चाहे स्टैटिक लिखूं या रन टाइम पे लिखूं, एलिमेंट देना मैंडेटरी है, बट एरे को मैं रन टाइम पे या कैसे भी श्रिंक और ग्रो नहीं कर सकता हूं। क्लियर है यहां तक? यानी यस सर। कि एरे की लेंथ क्या है, हमारे पास फिक्स है, एरे की लेंथ को मैं श्रिंक और ग्रो नहीं कर सकता अपने प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के बेस पे। क्लियर है यहां तक? ना क्लियर? यस सर। अब देखो, अब इसी चीज से बचने के लिए या इस चीज को अपडेट करते हैं हम, किसके अंदर टॉपिक आएगा हमारा कलेक्शन। तो टॉपिक आ गया हमारा कलेक्शन। अब कलेक्शन क्या होता है भाई? कलेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ क्लासेस। कलेक्शन क्या होता है हमारे पास? कलेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ क्लासेस। अरे क्या था? ग्रुप ऑफ सेम डाटा टाइप, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट। क्लियर है यहाँ तक? तो कलेक्शन किसमें काम करता है? ग्रुप ऑफ क्लासेस, यानी कि इसके अंदर आप मल्टीपल क्लासेस के साथ काम कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? तो ये काम करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है नॉन जेनरिक एंड दूसरा होता है ओनली जेनरिक। क्लियर है यहाँ तक? तो ग्रुप ऑफ क्लास को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जेनरिक और नॉन जेनरिक। क्लियर है यहाँ तक? नॉन जेनरिक का मतलब मिक्स क्लास, यानी प्रोग्राम में इंटीजर भी है स्ट्रिंग भी है, एक ही क्लास में सारा काम होगा। क्लियर? जेनरिक का मतलब ऑल ऑन वन क्लास, ठीक है, यानी कि एक बारी में एक ही डाटा टाइप पे मैं काम कर रहा हूँ, इतना माइंड सेट कर लेना। जो नॉन जेनरिक के अंदर आपके पास किसी भी डाटा टाइप को मैं एट अ टाइम कॉल करा सकता हूँ, बट जेनरिक के अंदर कॉल ओनली सिंगल टाइप ऑफ डाटा टाइप। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? तो नॉन जेनरिक के अंदर इंटीजर स्ट्रिंग करेक्टर बुलियन एक ही प्रोग्राम में डिजाइन हो जाएंगे, जेनरिक के अंदर अगर इंटीजर बनता है तो पूरा इंटीजर, स्ट्रिंग बनता है तो पूरा स्ट्रिंग। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन मिक्स मोड में मैं काम नहीं कर सकता। क्लियर है यहाँ तक? अगर नॉन जेनरिक का डेमो समझ आ जाता है तो जेनरिक उसी को अपडेट करिए। क्लियर है यहाँ तक? नॉन जेनरिक का अगर डेमो समझ आ जाता है तो जेनरिक क्या करेगा, उसी को अपडेट करेगा।
तो जेनरिक में सबसे, नॉन जेनरिक में सबसे पहले क्या आता है हमारा, एरे लिस्ट। पहले एरे था, बस एरे को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एरे लिस्ट के अंदर। क्लियर है यहां तक? और एरे लिस्ट को यूज करने के लिए मेरे पास एक नेम स्पेस होता है, और उस नेम स्पेस का नाम क्या है, यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन। यानी यहाँ पे कौन सा नेम स्पेस डालोगे, यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे डालोगे यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन। क्लियर है यहाँ तक? एरे लिस्ट के, तो आप एरे लिस्ट के अंदर आप किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर करा सकते हो, पहली चीज तो। क्लियर? इसके के लिए कलेक्शन लगाना होगा सर। हाँ, बिना उसका चलेगा नहीं। ठीक है, पहली ओके सर। चीज, एरे लिस्ट के अंदर आप किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर करा सकते हो। एरे की लेंथ रन टाइम पे डिसाइड करेगी श्रिंक होना है या ग्रो होना है, यानी कि नो फिक्स लेंथ। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर? यस सर। ठीक है, कोई लेंथ आपकी इसमें फिक्स नहीं रहेगी, रन टाइम पर डिसाइड होगा कि कहाँ पे कॉल होना है। क्लियर है यहाँ तक? एरे में देखते हो 5 एलिमेंट 6 एलिमेंट बतानी पड़ती, मैंडेटरी है। तो इसमें रन टाइम पर डिसाइड होगा कि 2 एलिमेंट आएंगे, 4 आएंगे, या कम करने हैं या ज्यादा करने, पहले से फिक्स नहीं है। ठीक है, वेक्टर तो अलग ऑप्शन चला गया ना मैट्रिक्स के लिए। फिर वो मैट्रिक्स बनाओगे तो उसमें लेंथ और कॉलम दोनों पता होने चाहिए, ये चीज। ठीक है, क्लियर? अब एरे लिस्ट को डिक्लेयर करने के लिए, भाई एरे लिस्ट अपने में ही आप क्या एक क्लास है। ठीक है, एरे लिस्ट अपने आप में क्या एक क्लास है। एरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ओबीजे। इतना क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना? ठीक है, एरे को बनाने के लिए पहले से आपको क्लास बनानी पड़ती थी, इंटीजर स्ट्रिंग कैरेक्टर। वह एरे लिस्ट खुद में एक क्लास है। अब एरे लिस्ट के अंदर वैल्यू डालने के लिए वहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि मिनिमम 0 इंडेक्स क्या है। देखो मैं डिस्प्ले करता हूँ एक बार, कंसोल डॉट राइट लाइन डाल दिया, OBJ 0 इंडेक्स, ये होता था एरे में। यस सर। चेक करता हूँ उसमें 0 इंडेक्स मैंने तो डिफाइन करानी है, तो रन टाइम पे क्या आउटपुट आएगा। मतलब तो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यस। ठीक है, हमने क्या किया, यस क्या आ गया, ओवरलोड कहाँ लिखा हुआ है इसमें, जबरदस्ती ओवरलोडिंग बना लो। से क्या कह रहा है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। भाई एरे के अंदर पहले ही लेंथ आपको बतानी पड़ती है, बट एरे लिस्ट में लेंथ बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, जब तक इसमें आप एलिमेंट डिक्लेयर नहीं कर दोगे तब तक इसकी लेंथ क्रिएट नहीं होगी, यानी कि ओबीजे सब कुछ रन टाइम पे ही डिसाइड होगा क्या वैल्यू आ रही है क्या वैल्यू जा रही है। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में, क्या कुछ पूछना है? क्लियर है, समझ आ गया? एरे में पहले 0 बताना पड़ता था और लेंथ बतानी पड़ती थी, ये रन टाइम पर डिसाइड करेगा कितने एलिमेंट आएंगे कितने एलिमेंट जाएंगे। जैसे मैं इसकी अगर लेंथ फाइंड करना चाहूँ तो लेंथ फाइंड करने के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है एरे में, और सर एरे का नाम डॉट लेंथ। हाँ तो हमने यहाँ पे दिया एरे लेंथ। बट अब यहाँ पे जब मुझे पता ही नहीं है लेंथ कितनी है, तो खुद को नहीं पता, यहाँ पे लेंथ की जगह क्या कीवर्ड डालना, ओबीजे डॉट काउंट। यहाँ पे क्या दोगे, ओबीजे डॉट काउंट। क्लियर है यहाँ तक? यस इतना क्लियर? यहाँ पे आ गया सर। ओबीजे डॉट काउंट, टोटल 1 लेंथ। कल की डेट में अगर मैंने इसमें सर निकाल, हाँ बोलो।
सर ओबीजे डॉट एड लिखे हैं सर, वो कैसे है? ऐड का मतलब होता है हमारे पास, ऐड मेरा एक मेथड है इसमें, ठीक है, उसका काम क्या है, इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट, एक नए एलिमेंट को ऐड करने के, क्लियर है यहाँ तक। यस सर। एक नया एलिमेंट अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक सर है, इसमें इंडेक्सिंग 0 से नहीं होती है? और यहाँ पे इंडेक्सिंग किससे हो रही है, 0 का। 0, काम एरे वाला ही करेगा, एरे के जितने भी ड्रॉबैक थे, ठीक है, उनको यस सर। रिकवर करेगा इनमें से, यानी आगे जाके अब एरे की जगह यूज करना एरे लिस्ट, क्लियर। लिस्ट। और कल की डेट में मान लो मैं एक एलिमेंट और डालता हूँ, जैसे ओबीजे डॉट एड 56, तो हमने दिया दस, आ गया हमारे पास, क्लियर। या कुछ पूछना, क्लियर है यहाँ तक। एरे का कहाँ पे यूज करोगे, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप, सेम ये भी वही यूज होगा, ये कॉल होगा डाटाबेस के साथ, डाटाबेस से कौन सी रिकॉर्ड आ रहा है किस डाटा टाइप में आ रहा नहीं पता ना, ये होल्ड करेगा। एरे में ड्रॉबैक क्या था, इंटीजर है तो इंटीजर ही आए, क्लियर। यहाँ पे किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर करा सकते हो, जैसे ओबीजे डॉट एड, एरे में पॉसिबल था ओबीजे डॉट, क्लियर ये एरे में तो पॉसिबल नहीं था इस टाइप की वैल्यू को फिल कराना। अब मुझे मान लो ये सारी वैल्यू एक साथ डिस्प्ले करनी है, तो क्या करूं, बोलो। अब ये सारे एलिमेंट कलेक्शन मुझे अगर एक साथ लूप डिस्प्ले चलाएंगे, कराने हैं तो यूज लूप, लूप। हमने दिया फॉर लूप, 0 से स्टार्ट हो, कब तक चले, ओबीजे डॉट काउंट तक चले, अगर चलता है तो डिस्प्ले क्या करे, ओबीजे आई देन एग्जीक्यूट, क्लियर। समझ आ गया या कुछ पूछना है, क्लियर है यहाँ तक। यस सर। सर इसमें फॉरिच लूप भी तो चला सकते हैं? हाँ हाँ तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है, तो बताओ, ये तो बताओ ना कुछ। नहीं सर, मतलब मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, वो भी चला सकते हो, चलाने में कोई लिमिट नहीं है हमारे पास, क्लियर। अब जैसे ओके मान लो सर। ये, अब यहाँ पे मुझे इंटीजर को याद करना पड़ रहा है, यस सर। बट यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन ही नहीं है मेरा, एक कौन सा किसमें काम करे, तो इसके लिए क्या बनाया गया, फॉरिच लूप, किस टाइप की वैल्यू आ रही है, कंफर्म है अभी बताओ। फॉरिच लूप अगर मैं बनाता हूँ तो क्या डाटा टाइप रखूंगा इसके अंदर, ये तो बोलो बताओ, स्ट्रिंग रखूँ, इंटीजर रखूँ, कैरेक्टर रखूँ, कौन सा डाटा टाइप रखूँ, बोलो सर इसमें तो मिक्सेस सर है डाटा टाइप। तो क्या रखा जाए। तभी तो फॉरिच चला पाओगे, तो फॉरिच को क्लास ही नहीं पता किस टाइप की वैल्यू कॉल करनी है, तो क्या फॉरिच लूप चलेगा, तो नहीं सर। फिर बताओ क्या करना होगा, कौन सा डेटा टाइप होगा, इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, फ्लोट, कौन सा होगा। जब हमें कुछ डाटा टाइप का कंफर्मेशन नहीं है तो कॉल इंट सर इसमें इंट चल सकता है, इंडेक्स उठाएगा। चलेगा तो फिर स्ट्रिंग का इंडेक्स तुम बना रहे हो, कॉल नहीं करो वेर, वेर मीन्स एक कीवर्ड है, और वेर के अंदर आप कलेक्शन ऑफ क्लासेस को होल्ड करा सकते हो, तो हमें दिया आइटम एम, कहाँ से डाटा उठाए, वो ओ, भी चीज़। और वो भी जब चलता है तो क्या कर भाई, लेस ने यहाँ दिया आइटम, ठीक आइटम है, इंटीजर रखता तो सिर्फ इंट, स्ट्रिंग रखता तो स्ट्रिंग, कैरेक्टर तो कैरेक्टर, वेर को रखो, किसी भी टाइप की क्वेरी को एक कॉल करा दे, तो इस पर्पस के लिए हमारा फॉरिच लूप बनाया, क्लियर है यहाँ तक।
क्या इश्यू है तो बताओ, कहाँ पे दिक्कत आ रही है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप की वैल्यू को या डिफरेंट टाइप की वैल्यू को डिस्प्ले करना, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी सबसे पहले आता है डाटा टाइप, इनकी क्लास, फिर ऑब्जेक्ट कोई भी रखो, इन कहाँ से वैल्यू आ रही है उस वेरिएबल का नाम, ठीक है। क्लियर ऑनलाइन में इस यस तरह से कर सर। लो, या फिर आप ऐसे करना नहीं चाहते तो एक डाटा टाइप और आता है और यहाँ दे दो उसको ऑब्जेक्ट कीवर्ड। ऑब्जेक्ट कीवर्ड की मदद से भी डाटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? अगर ऑब्जेक्ट से भी नहीं कराना चाहते तो आप एक तरीका और कर सकते हो, दिस ऑब्जेक्ट कीवर्ड डाल दो, डायनामिक डायनामिक कीवर्ड। तो इसकी मदद से भी आप कलेक्शन ऑफ एलिमेंट को कॉल करा सकते हो। क्लियर, मैं प्रेफर करना कि जो भी काम कर रहे हो आप सबसे पहले किसके थ्रू करो, वेयर कीवर्ड। अगर वेयर हैंडल नहीं कर पाता तब इनकी तरफ जाओ, क्योंकि वेयर से थोड़ा ये हैवी डाटा डाल। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ऑनलाइन में या कुछ पूछना है बताओ? यस सर, क्लियर है। अब देखो, अब हमने क्या किया, इन सबको हटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ दे दिया वेयर वेयर ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब मुझे एलिमेंट क्या करना है, इंसर्ट करना है। अब एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए मैं गया ओबीजे डॉट अच्छा इंसर्ट, इंसर्ट में दिया सबसे पहले टू। टू का मतलब ये कौन सी पोजीशन पे है, जीरो जीरो वन टू जीरो थ्री फोर। क्लियर, सेकंड पोजीशन को ढूंढ लो, अगर सेकंड पोजीशन मिल जाती है तो वहां पे आ जाए अरुण कुमार। अब सेकंड पोजीशन का मतलब ये नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल इसे सेकंड पोजीशन कार मिलती है तो ये कार को डिलीट कर देगा, नहीं, कार से पहले एक नई पोजीशन बनाएगा सेकंड और कार को कर देगा थ्री। क्लियर है यहाँ तक? यानी कार 56 और कार के बीच में एक नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा पोजीशन नंबर दो पे। डाटा रिमूव नहीं करना। क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? क्लियर है यहाँ तक? यस चलें आगे, ठीक सर। है। अब तो मैं इसी में चेंज कर देता हूँ फटाफट। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट मुझे रिमूव करना है यहाँ दिया, रिमूव। ठीक है, इस एलिमेंट को रिमूव कर दे। यस, क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना? ना, क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है बोलो, चले आगे। यस सर। यहाँ डाल दिया रिमूव एट। जब खाली रिमूव लिखा था तो रिमूव किस पे काम कर रहा था, इसकी वैल्यू पे। रिमूव किस पे काम कर रहा था, इसकी वैल्यू पे। तो रिमूव एट काम करता है किस पे, पोजीशन पे, यानी कि इंडेक्स पे। तो आपने यहाँ दे दिया, दो इंडेक्स गायब हो गया।
क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? क्लियर है, क्लियर। रिमूव काम करता है वैल्यू पे और रिमूव ऐड काम करता है पोजीशन पे या एलिमेंट पे। ठीक है, उसके बाद रिमूव रेंज, लूप की तरह कहाँ से स्टार्ट हो रेंज, जैसे रेंज स्टार्ट हो 0 से लेके 3 तक। 3 का मतलब 0, 1, 2, 0 से स्टार्ट कर 3 इंडेक्स हो। ठीक है, अब एरे में लेंथ एंड इक्वल टू तो आता नहीं है, तो अगर मैं बात करूं 0, 1, 2, 3 यानी कि 25.5। क्लियर है यहां तक? 0, 1 और 2 हो गए, इक्वल टू लगेगा नहीं। यस, क्लियर है यहां तक? पर्टिकुलर रेंज रिमूव करनी और इंडेक्स के बेस पे तो ऐसे आप कर सकते हो। कुछ पूछ रहा है तो बताओ। क्लियर है यहां तक? ना क्लियर? रिमूव, रिमूव एट, रिमूव रेंज। क्लियर है यहाँ तक, या कोई डाउट या कुछ नहीं पूछना है बोलो, बताओ। उसके बाद है क्लियर। क्लियर का मतलब क्या है? जो भी इसमें था डाटा सारा ब्लैंक हो जाए, और यूजर डॉट क्लियर। ठीक है, क्लियर हो गया, ये डाटा तो कोई डिस्प्ले करेगा नहीं, तो हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी प्रिंट करके देखी, लेंथ ये कर दिया, काउंट लेंथ प्लस ओबीजे डॉट काउंट, सेम यहाँ पे भी लिख दिया मैंने। क्लियर होने से पहले कितनी लेंथ है वो बता दे, क्लियर होने के बाद कितनी लेंथ है वो बता। क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? मतलब क्लियर है ऑनलाइन में या कुछ पूछना है बताओ? हो लिया था सो हाँ जाएगा यहाँ तक? उसके बाद एरे को अगर शॉर्ट करना हो तो कैसे करोगे? एरे को अगर शॉर्ट करना है तो कैसे करोगे? बोलो, अरे मुझे शॉर्ट करना है तो कैसे करोगे? असेंडिंग डिसेंडिंग सेट होगा, कैसे करोगे? ओबीजे डॉट सॉर्ट हाँ सिंपल सा है, यहाँ पे ओबीजे डॉट सॉर्ट ठीक है, मेथड है, रन करता हूँ, फेल हो गया। रिपोर्ट पहले शॉर्ट हुआ, क्या दिक्कत आ रही? भाई कंपेयर नहीं कर पा रहा दो एलिमेंट के बीच में, कंपेयर कब करेगा किस कंडीशन के बेस पे? या तो जब डाटा टाइप मेरा सारा एक ही जैसा हो, यानी कि शॉर्ट पे काम आप तभी कर सकते हो जब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट सिंगल डाटा टाइप के अंदर, अगर मेरे एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप में है तो डाटा को आप शॉर्ट नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। शॉर्ट इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट डेसिमल बुलियन किसी में भी कर सकते हैं, और कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप के लिए किस में बनाऊँ? इंटीजर में, स्ट्रिंग में, कैरेक्टर में, किस में बनाऊँ? कैरेक्टर में, तो कैरेक्टर में हमने दे दिया एक्स, यहाँ डाल दिया जेड, यहाँ डाल दिया टी, एम, ठीक है। क्लियर डाटा हो गया शॉर्ट। नेक्स्ट, अब शॉर्ट डाटा को आप इंटीजर में चलाओ, कैरेक्टर में चलाओ, फ्लोट में चलाओ, वो हमारी मदद। अब जैसे मेरे पास एक कैरेक्टर डिस्प्ले हो गया,
डिस्प्ले होने के बाद आपने बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग सुनी है टाइप कास्टिंग। तो देखो मैं यहीं पे कॉल कर देता हूँ, प्लस कन्वर्ट डॉट टू इंच, इसमें डाल दिया मैंने आइटम, क्या कह रहा है ये। फेल हो रहा है, अच्छा ऑपरेटर इसमें ये काम नहीं कर रहा। ठीक है ये, और यहाँ डाल दिया तो लाइन, एक एक एलिमेंट डिस्प्ले करता जा और देख मारता जा, आ गया यानी करेक्टर को स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग को अल्फाबेट में, जिसमें भी कन्वर्ट करना चाहो तो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग दोनों कॉल करा कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ऑनलाइन में? क्लियर है या कुछ पूछना है बताओ। अब डाटा किसमें प्रिंट हो रहा है आपके पास? असेंडिंग ऑर्डर के अंदर मुझे डाटा डिस्प्ले करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करोगे? डाटा भी असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, हमें डिस्प्ले करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्या करोगे? हाँ बोलो बोलो। लूप का भी यूज करना चाहो कर सकते हो, बस लूप का यूज अगर आप करते हो तो आपको स्टार्टिंग और एंड का पता होना चाहिए। गलती से फ्यूचर में कोई और वैल्यू आ गई तब दिक्कत होगी। शॉर्ट तो हमारे पास हो ही रहा है तो यहाँ पे जाओ, शॉर्ट चलने दो, शॉर्ट को कॉपी करो, मारो डिसेंडिंग, डिसेंडिंग के लिए आ गया, रिवर्स आ गया। बिल्कुल यानी कि जो भी करंट आउटपुट डिस्प्ले हो रहा होगा उसको ये उल्टा कर दे। हाँ अल्फाबेट में सेट नहीं करेगा, बस रिवर्स का मतलब क्या है, उल्टा करना। अगर आप प्रॉपर असेंडिंग डिसेंडिंग दिखाना चाहते हो तो डाटा को पहले शॉर्ट करो और दैन फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके। यानी कि अगर मैं एक मिनट के लिए ट्राई करूँ, देखो जैसे एक मिनट हमने क्या किया, शॉर्ट को यहाँ से कर दिया कमेंट, और इसमें लास्ट वैल्यू क्या आ रही है, ए। तो देखो AMT, सिर्फ ऑर्डरिंग उल्टी कर दी है बस। क्लियर? डिसेंडिंग में सेट नहीं करा था, डिसेंडिंग में सेट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, इस प्रॉपर्टी को करा एनेबल, आ गया। तो आपको सेट पूरा देना पड़ेगा ना, जैसे यहाँ दिया मैंने, देखो ठीक है, डाटा को शॉर्ट में करें, AMTX10 आ गया। चेक करता हूँ कि लूप लगाना मैंडेटरी है या नहीं, या सर बैकग्राउंड में मेरा शॉर्ट मेथड ही काम कर जाएगा, या फिर डिस्प्ले के बाद ही डाटा चेंज होगा। हुआ? क्लियर? ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में एक्स चला जाएगा आपके पास। क्लियर? डिस्प्ले करो ना करो आपकी, समझ आ गया। तो एरे लिस्ट बन जाएगा या कुछ पूछना है? बट एरे लिस्ट बहुत हैवी क्लास है, तो इस क्लास को हम एक्सेस नहीं करते। तो एरे लिस्ट को यूज करने के लिए इन्होंने क्या किया, कुछ अपने पार्ट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, जेनरिक के अंदर, ताकि यूजर की जैसी रिक्वायरमेंट हो यूजर वैसा काम कर सके। क्लियर? और जेनरिक को ये बोला गया कि एरे का जो भी कॉन्सेप्ट है इसी को इम्प्लीमेंट करो अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, चार पांच तरीके दिए जेनरिक के अंदर इसको यूज करने के लिए, बस उन यूज में ये बोला गया
यूजर जो कहना चाहता है या जो डिस्प्ले करना चाहता है सिर्फ उतना ही करें। यानी कि अगर आपको लगता है कि यूजर को डाटा शॉर्ट ऑर्डर बाय डिफॉल्ट होना चाहिए, ऑर्डरिंग सेट होनी चाहिए, तो ऑर्डरिंग वाला मेथड उठाओ। अगर आपको लगता है कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड ना आए तो डुप्लीकेट वाला मेथड उठाओ। यानी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट वैसा डाटा कॉल हो। अब जैसे मैं देखूँ तो डुप्लीकेट डाटा आ गया। अगर मैं कह दूं यहाँ पे कि अब मुझे डुप्लीकेट डाटा डिस्प्ले नहीं करना, तो पॉसिबल है? एरे और एरे लिस्ट में नहीं है पॉसिबल, जैसा है वैसे ही डिस्प्ले होगा। पर कलेक्शन ने क्या कहा, जैसा चाहते हो वैसा डाटा आएगा। मेरे पास कुछ मेथड्स बने हुए रखे हैं, आप उन मेथड को यूज कर सकते हो। डाटा अगर आपको ऑर्डर में सेट करना है तो रिवर्स ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरा मेथड कॉल करो, अपने आप सारी चीजें कॉल हो जाए। क्लियर? यानी इसी को उसने क्या कर दिया, स्टेप बाय स्टेप बना के आपको दे दिया। आपको पूरा काम करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक तो ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? बोलो, क्लियर है यहाँ तक? मेथड है सारे वहां पे, इसको डिवाइड करा के। जैसे शॉर्ट लगाना है, अब शॉर्ट करने के लिए आपको इसमें फिल्ट्रेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधा कीवर्ड कॉल करना है, एज सेट सारा फिल्टर हो जाएगा अपने आप। क्लियर? डुप्लीकेट और शॉर्ट दोनों एक साथ चलाने हैं तो मेथड कॉल करा, दोनों काम एक साथ हो गए। तो अलग अलग उसकी क्लासेस बना के उसने दी है। अब यहाँ पे वो सारा काम मुझे एक ही क्लास में असेंडिंग डिसेंडिंग रिवर्स डुप्लीकेट सब करना पड़ रहा है, तो वहाँ सबके लिए सेपरेट। जब आपके क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ है कि डू नॉट डिस्प्ले डुप्लीकेट वैल्यू, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले डाटा डालूंगा, फिर कंपेयर कराऊंगा। कंपेयर में क्या चेक करूंगा, जो दो सेम नेम की वैल्यू है अगर वो मिलती है तो उसको स्किप करें, कॉन्सेप्ट बहुत लेंथी जाएगा, तो उनको हटाता चले। ठीक है? शॉर्ट का मतलब क्या, असेंडिंग ऑर्डर। आप वेबसाइट पे जाते हो, ए टू जेड या जेड टू ए शॉर्टिंग करते हो, वो ऑप्शन कि अपने अल्फाबेट या न्यूमेरिक वाइज आप लोअर टू हायर, हायर टू लोअर सेट कर सकते हो। एक असेंडिंग ऑर्डर में निकले, पहले ए वाले, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ठीक है? हाँ बोलो, ऑनलाइन में क्या बोल रहे हो, बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो। वही सर शॉर्ट पूछ रहे थे। हाँ अब देखो शॉर्ट के लिए जैसे मान लो 25, 10, 250, 100, 95, 20, 58, 46। अभी डाटा तो एज इट इज डिस्प्ले कर देगा, और हमें क्या चाहिए, एक ऑर्डरिंग में डाटा है, लोअर टू हाई या हायर टू लोअर। अभी शॉर्ट चला है, शॉर्ट का मतलब होता है हमारे पास ए टू जेड, यानी कि लोअर टू हायर, और डिसेंडिंग का मतलब है यहाँ पे जेड टू ए, हाई टू लो। क्लियर? यही डाटा को सिर्फ रीअरेंज करके आपको दे रहा है बस, और कुछ नहीं करके दे रहा। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है बोलो, यस सर क्लियर। हो जाएगा? या कोई डाउट कुछ पूछना है? ये काम होता है दिस हमारे पास। तो एरे लिस्ट बन जाएगा, पहले जेन यस सर रिक्वायरमेंट कॉल करूं या नहीं करूं? नो सर सर पहले इसको कल बना के ट्राई आज करने रहने दीजिए। दिखाने। चलो ऐसे बना लो, और कल क्लास सब लोग जितने भी ऑनलाइन में हो 10 बजे से कनेक्ट करना, कल 10 बजे इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। क्लियर? ओके हाँ जनरेट सर वाले का क्लियर, यस सर उसके बाद एडीयू। ठीक है? क्लियर? तो कल सब 10 बजे ओके सर सी जनरेट शार्प कर, में तो और भी सर वो टॉपिक रह गए हैं सर। बोलो तो सही, बता तो दे टॉपिक जो जो तुम्हें चाहिए थे। कलेक्शन हो गया, गो टू हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, बस यही है ना? हाँ सर इनकैप्सुलेशन हाँ तो इनकैप्सुलेशन भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर ये तीनों टॉपिक 10 से 15 मिनट के खाली बस। ठीक है? ओके सर जो भी टाइम लेगा, ये कलेक्शन वाला थोड़ा सा टाइम ले जाएगा, आधा घंटा करीब, ये है। ठीक है? ओके सर ये
क्लियर। तो एरे लिस्ट को पढ़ के आना, बस एरे लिस्ट को ही मैं डिवाइड करूंगा जेनरिक के अंदर। क्लियर, ओके सर। चलिए फाइल मैं आपको देता हूँ। ठीक मिनिमम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को कंपेयर करना पड़ेगा। मिनिमम के लगेगा लेस देन ऑपरेटर और हायर के लगेगा ग्रेटर। अच्छा ऐसा से नहीं हो, तब होगा जब इस पार्ट को तुम लोग डाटाबेस से कनेक्ट करोगे, तब वो सारी चीजें खुलेंगी। तो डाटाबेस अटैच होगा तो मिनिमम हायर के वहां पे डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर चलेंगे, मिनिमम एग्रीगेट फंक्शन चलेंगे, तो वो सारे काम करेंगे इसके। फिर मैं इनके मेथड को यूज नहीं करूंगा। देखो एनालिस्ट क्या इंटरव्यू में अगर पूछ रहे तो दिस मेथडवाइज आपके पास सारा यूज आपका फॉर लूप में ही होगा, बस पता होना चाहिए कॉल वहां पे हो रहा है इंटरव्यू पे टाइम। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, एक फाइल करता हूँ मैं आपको शेयर।